हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक स्थिति एवं इसके विस्तार में बहुत सारी जानकारी को देख लिए थे। इसमें हमने देखा था कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में कहां पर है और इसके पूर्व बिंदु, पश्चिम बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, उस बिंदुओं के नाम क्या है। इसके साथ ही लक्षद्वीप और अंडमान के बारे में भी कुछ जानकारी को देख लिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार कहाँ से कहाँ तक था बोल के, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। और जो चैनल में नए आए हैं वह सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उसको भी ऐसे ही आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आज हम लोग उसी में अगला पार्ट देखेंगे और यहाँ पर भी कुछ नई जानकारी को देखेंगे जहाँ से एग्जाम का पार्ट बनता है या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, भारत का जो भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार है उसमें से अभी जो हम देखेंगे कि पूरब से पश्चिम की जो दूरी है और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है भारत की, वह कितनी है, इसको देखेंगे पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण, ये वाला भाग थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो इसकी जो दूरी होगी वह भी ज़्यादा होगी, और यहाँ से यहाँ यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब वह थोड़ी सी दूरी कम है, तो हमको यहाँ वाला जो है वह थोड़ी सी कम हमें किलोमीटर में दिखाई देगी। तो सबसे उत्तर से हम लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं, तो मान लेते हैं सबसे उत्तर से दक्षिण को हम लोगों ने इस प्रकार से मिला लिए हैं। तो ये जो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण यह कितना है, और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो इसको भी इस प्रकार से मिला लेते हैं, इस प्रकार से मिला लिए। तो इसकी जो दूरी है यानी उत्तर से दक्षिण के पहले बात करते हैं, तो वह है 3214 किलोमीटर। तो यह है उत्तर से दक्षिण भारत की दूरी, और पूरब से पश्चिम अगर इसकी बात करते हैं तो यह है हमारा 2933 किलोमीटर, यानी कि ये वाला। तो आप यहाँ से इसको डाटा को देख करके याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि भारत के तीन साइड में सागर या महासागर है, उसके नाम को पहले देख लेते हैं। तो भारत के जो दक्षिण में है वह है हिंद महासागर, हिंद महासागर जिसको इंग्लिश में इंडियन ओशियन कहते हैं। पूरब साइड की ओर मतलब इस वाला इलाका में हमारा है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इस वाले भाग में यानी कि ये वाला जो दिख रहा है हम लोगों को कोस्ट लाइन, वह है हमारा अरब सागर, इधर है हमारा अरब सागर। तो अब हम देखते हैं कि लक्षद्वीप है या मिनिकॉय है, यह भारत का हिस्सा है लेकिन मालदीव भारत का हिस्सा नहीं है। तो लक्षद्वीप या मिनिकॉय जो है वह अरब सागर में स्थित है, और ये हमारा पूरा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हमारा बंगाल की खाड़ी में। तो आपको हमको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और हमारा सबसे नीचे में है हिंद महासागर। अब ये हमारा तीन तरफ से जल से घिरा है, यानी कि तीन तरफ से जल से घिरा होने के कारण भारत को एक प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को एक प्रायद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब तीन तरफ से जल से घिरा है तो इसका मतलब है कि भारत का जो कोस्ट लाइन है यानी कि समुद्र तटीय राज्य, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो होगा हमारे यहाँ गुजरात से स्टार्ट होकर के पूरा गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक में ख़त्म हो जाती है। मतलब कि गुजरात से ले करके हमारा यहाँ पश्चिम बंगाल तक भारत की कोस्ट लाइन है, यानी कि भारत की समुद्री रेखा है। तो समुद्र के साथ में हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक समुद्र के साथ
हमारे जो राज्य हैं वो सब सीमा बनाते हैं। और इसके अलावा में इस वाले ऊपर में है वो विभिन्न देशों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं वह समुद्र के साथ में अपनी सीमा लगती है या उसकी सीमा को साझा करते हैं समुद्र के साथ में। तो पहले बात कर लेते हैं गुजरात की ओर से। तो यहाँ पर हमारा है गुजरात, उसके जस्ट नीचे में महाराष्ट्र, फिर उसके थोड़ा सा नीचे में है गोवा, फिर कर्नाटक, उसके नीचे में केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख देता हूँ। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र की सीमा से लगती है, इसकी सीमाएं, ऐसे क्वेश्चन बनती है। तो लिख देता हूँ कि समुद्र से सटे हुए भारतीय राज्य। तो पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है हमारा तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां नंबर जो है वह है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो है नौ राज्य हैं, जो टोटल नौ राज्य। ये क्या है, ये समुद्र से सटे हुए भारतीय राज्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये सब जानकारी को अच्छे से ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अब इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है और याद भी करना है। तो भारत का क्षेत्रफल मैंने आप लोगों को बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। और पूरे विश्व के जो स्थल भाग का क्षेत्रफल है उसका, भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 2.42%, यानी कि 2.42% है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के स्थल भाग का क्षेत्रफल का। तो ये भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बना, तो आप इसको बना सकते हैं। संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। तो भारत का क्षेत्रफल है 2.42% है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है, सॉरी अब दोस्तों भारत पूरे विश्व में कितना नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो विश्व का भारत सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसको भी हम अभी ट्रिक से देखने वाले हैं कि भारत से पहले जो छह बड़े देश हैं उसको कैसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो मैं भी आपको बताऊँगा, और भारत के बाद वाला जो देश है उसको भी मैं बताऊँगा, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसको बना सकते हैं। तो भारत विश्व का सेवेंथ यानी कि सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की
दृष्टि से। तो यहाँ है सातवां सबसे बड़ा देश, तो यह स्टार कर देता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्दी याद हो जाए। तो सातवां सबसे बड़ा देश है, तो जो ट्रिक है उसको मैं लिखता हूँ इधर, TRICK, ट्रिक। रूख चीन अब आ भारत, यह है ट्रिक। तो चीन को रुक करके धमकाया जा रहा है या डराया जा रहा है, इस प्रकार से हम इसको सोचेंगे। तो चीन को बोलता है कि रुक चीन अब आ भारत, जब आ जाओगे तो फिर हम आपको सबक सिखाएंगे या हम आपकी खैर लेंगे, खबर लेंगे। तो ऐसे इसको याद रखना है। तो रुक, यहाँ से रू से हमारा याद हो जाएगा रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, अ से अमेरिका, यानी इसको हम लोग कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब से याद कर लेंगे ब्राज़ील, आ से याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है हमारा देश भारत। फिर इसके बाद वाला जो देश है उसका नाम है अर्जेंटीना। तो यह है अर्जेंटीना, जो आठवां सबसे बड़ा देश है और भारत सेवेंथ सबसे बड़ा देश है। तो इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, रूक चीन अब आ भारत, रूस कनाडा चीन अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद अर्जेंटीना। तो आप इसको यहाँ से ध्यान रखते हुए पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भी और कुछ जानकारी जो होगी भारत के भूगोल से संबंधित, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा से पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सब मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन छूटे ना। थैंक यू दोस्तों।